छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए निकाला गया कैंडल मार्च। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। छत्तीसगढ़ में हुई नक्सली मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों को आज सुबह 10 बजे जगदलपुर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। मेदिनीनगर शहर में 6 मोहन चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं बड़ी तादाद में लोगों ने कैंडल मार्च में हिस्सा लेकर शहीद जवानों को नम्न आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं नक्सलियों के क्रूरता भरे कार्रवाई की घोर निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना जाहिर की। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड पलामू के द्वारा छत्तीसगढ़ में कायरतापूर्ण तरीके से जो अपने देश के वीर जवानों के ऊपर हमला किया गया है नक्सलियों का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका कड़ी शब्दों में निंदा और भर्त्सना करती है एवं पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति रखती है। उन्हें इस ताकत की घड़ी में भगवान ताकत दे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद शहीदों को गृह ग्राम के लिए रवाना किया गया। वहीं 31 जवान अभी भी घायल हैं और एक जवान अभी भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। शहीद जवानों में DRG के 8, STF के 6, कोबरा बटालियन के 7 जवान और बस्तर बटालियन का 1 जवान शहीद हुआ है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।